हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के थर्ड वीक की, जो कि 16 से 23 के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट एंड चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जून। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। सो आई थिंक पाइसेस, इस वीक में आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपके साथ जस्टिस होगा, आप अपने लिए जस्टिस मांगेंगे और आपको वो मिलेगा भी। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक तरफा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या आप एक तरफ से सब कुछ देते रहे और दूसरे तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो अब थर्ड वीक में टाइम है जस्टिस का। जो आप फील कर रहे थे वो अब अपोजिट पार्टी फील करेगी, क्योंकि उनको भी ये फील करना होगा। यूनिवर्स की यही मर्जी है, आपके रीडिंग में जस्टिस का कार्ड है तो चीजें बैलेंस होंगी। यहां पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऐसा लगेगा इस थर्ड वीक में कि आपकी विशेष पूरी हो रही है, आपकी विशेष ग्रैंड हो रही है थर्ड वीक में। और जो आप सोच रहे थे लंबे समय से, जिसकी आप विश कर रहे थे, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे यूनिवर्स में, वो चीज आपको विश के तौर पे मिल रही है, एज अ गिफ्ट आपको मिल सकती है ऑल ऑफ अ सडन इन द थर्ड वीक ऑफ जून। और आप सोचेंगे कि ये इतनी जल्दी होगा, ये आपने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ सडनली हो सकता है। आप लंबे समय से सोच रहे हैं वो चीज हो जाए, आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आपको इस वक्त भगवान सुन रहा है, कार्ड है यहाँ पे जस्टिस का, आपको जस्टिस भी मिलेगा और आपकी विशेष भी ग्रांट होगी। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। सो क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप जो है दूसरे पर्सन के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। अपोजिट पार्टी आपको देखती है एज अ पर्सन जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, ऑफकोर्स जिसका बिहेवियर अच्छा है, जो एक फैमिली पर्सन की तरह है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब यही है, हर तरीके से प्रोवाइडिंग, हर तरीके से सपोर्टिव, हर तरीके से परफेक्ट। आपके पार्टनर ये चीज जानते हैं एंड आपके लिए भी आपके पार्टनर वैसे ही हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको भी ऐसा ही लगता है, सेम फील होता है अपने पार्टनर के बारे में। एंड अगेन यहां टू ऑफ कप्स है। सो टू ऑफ कप्स के साथ यहां पे फ्रेंडशिप होती हुई दिख रही है, यहां पे आप किसी अग्रीमेंट पे पहुंच सकते हैं। ये दोनों पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कार्ड पे, तो आप ही ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा सोच सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाने का सोच सकते हैं, इस तरह की चीजें। कुछ तो प्लीजेंट और अच्छा होगा और जस्टिस का कार्ड यहां पे है तो जस्टिस भी होगा। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। आपसे जिस हद तक रेजोनेट करती हो आप उस तक देख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हो, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं पाइसेस के, तो हो सकता है आप कोई पाइसेस ऐसे रिएक्ट कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस वीक की रीडिंग और ये रीडिंग देखना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लवर्स, द हायरोफेंट, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो यहां पे है द लवर्स। द लवर्स के कार्ड के साथ थर्ड वीक में आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आपके लिए एक दूसरे को रेजिस्ट करना मुश्किल हो सकता है और यहां आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। चाहे आप साथ में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, दोनों ही केस में आप इस एनर्जी को फील करेंगे। ओके, यहां पे कार्ड है द हायरोफेंट का। सो मोस्ट प्रोबेबली आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत अच्छा जोड़ा है और ये पर्सन हर चीज को समझता है, मैच्योर है। बट यहां पे द कार्ड है द एम्परर का। इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? सारी चीजें मेरे रूल्स से चलेंगी, सारी चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी, द एम्परर ये बोलता है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब भी ये दूसरों का पॉइंट समझने की कोशिश नहीं करता एंड कॉन्टिन्यूअसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने की कोशिश करता है। ये चीज आपको बहुत ट्रबल करती है। एक पॉइंट पे आपको लगता है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। दूसरे पॉइंट पे जब ये पर्सन बहुत स्टबर्न हो जाता है, जब बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये वो पर्सन है ही नहीं जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो है लेकिन ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको चाहिए नहीं जब ये ऐसे बिहेव करते हैं, स्टबर्न बिहेव करते हैं। ये चीज आपको फील हो सकती है। तो ये इश्यू है अगर आपका, तो ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा पाइसेस यहां पे, बिकॉज इस पर्सन का बिहेवियर यहां पे ऐसा ही है और थर्ड वीक में ऐसा ही रहने वाला है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिवर्स में आने के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, बट अपने आप को रेजिस्ट करे, अपने आप को रोके आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से शायद उसके शान में कोई कमी हो जाएगी। इमैच्योरिटी वाला बिहेवियर टेम्पोरली उनके अंदर आ सकता है, बट यहां पे द हायरोफेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सुलझा हुआ पर्सन है, चीजों को समझता है। मुझे नहीं लगता कि इनका ये चेंज ऑफ एटीट्यूड या चेंज ऑफ मूड किसी तरीके का परमानेंट डैमेज करेगा आपके रिलेशनशिप को। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल कार्ड क्या बोलते हैं पाइसेस। मैसेजेस फॉर पाइसेस। For the third week of the practice, polish your skills by practicing regularly. Okay, so यहां पे आपको oracle कह रहा है कि आपको practice करनी है किसी चीज की, कुछ भी हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है। अगर हम आपके वर्क प्लेस के हिसाब से इन कार्ड्स को देखें तो यहाँ पे आपके बॉस हो सकते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं और आपको लगे कि यहाँ पे आपको काम नहीं करना है,
किसी तरीके का क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिले कि आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, यहां कमी है, वहां कमी है, तो आपको उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आप उसको पॉजिटिवली लें, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, चीजों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज, अगर आप मेंटली थोड़े से परेशान हो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप वर्क स्किल सुधारना चाहते हैं अपना वर्क प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप सिंपल सी कोई चीज कर रहे हैं खाना बनाने जैसा तो वो भी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी आप प्रैक्टिस कीजिए और वो चीज आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज पे आपके लिए इस वक्त काबू पाना पॉसिबल हो जाएगा। ये थी रीडिंग थर्ड वीक के जून की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी पाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।